अभी रिसेंटली एक थर्ड ऑफिसर मिसिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें एक कमेंट था बाय SKLFLPG करके, जिन्होंने लिखा था शिपिंग इज द वर्स्ट करियर, डोंट ज्वाइन इट, चीफ इंजीनियर एंड मास्टर्स आर वर्स्ट, द बिहेवियर ऑन ऑफ पीपल ऑन शिप इज बैड। तो नीचे एक मंजू भारत भारती महतो लिखते हैं, प्रनीत सर भी तो चीफ ईयर है, इस वीडियो में इनकी एफर्ट देख के नहीं लग रहा कि ही हैज़ बैड बिहेवियर। वेल, आप दोनों गलत हैं। मंजू, आपने मेरे साथ सेल नहीं किया है, वीडियो तो बहुत सारे एडिट होकर बन जाते हैं, हो सकता है मैं भी वैसे ही चीफ हूँ जो कि लोगों को हैरेस करता है और लोगों को प्रताड़ित करता, उन्हें दुखी करके रखा हुआ है, तो नहीं कह सकते। सिमिलरली जिन्होंने ये चीज़ कमेंट लिखी कि चीफ ईयर कैप्टन आर द वर्स्ट और वो बहुत ख़राब होते हैं, सारे नहीं होते हैं, मैं बहुत सारे चीफ ईयर कैप्टन के साथ सेल किया जो कि बहुत अच्छे थे और बहुत सारे ऐसे थे जो कि वाकई बहुत ख़राब थे। लीडरशिप की कमी है हर इंडस्ट्री में, कमी है उसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी कमी है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में चीफ ईयर कैप्टन खराब होते हैं, तो जाइए कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके लोगों से बात कीजिए, जहाँ पर लोग दुखी हो रखे हैं कि यार कहाँ फंस गए, कंपनी पे कंपनी चेंज, कंपनी पे कंपनी चेंज, और फिर एक वर्ड डाल देते हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। मर्चेंट नेवी में तो पॉलिटिक्स का चांस ही बहुत कम रहता है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है यार। एग्जाम क्लियर करो, आगे बढ़ो, एग्जाम क्लियर करो, आगे बढ़ो। यहाँ तो एक पोस्ट के लिए 50 लोग हैं, वहाँ पर एक पोस्ट के लिए एक आदमी है। लोग कहते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है, भाई जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना उतने लोग रेगुलर छोड़ते भी जा रहे हैं मर्चेंट नेवी, इसलिए लाइन कभी सैचुरेट नहीं होने वाली। हैविंग सेड दैट, जब भी आपके जीवन में वर्स्ट लोग आए तो प्लीज क्विट मत कीजिए, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बेटर। मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट शिप आई हैड सम वर्स्ट लीडर्स, मेरा सेकेंड शिप एट फोर्थ इंजीनियर, मेरी जिंदगी के बहुत खराब चीफ इंजीनियर थे मेरे साथ, मुझे गाली देते थे, मेरी बैंड बजा के रखी हुई थी, मैं 16-18 घंटे काम करता था, नो सैटरडे नथिंग, बट थैंक्स टू हिम आई लर्नड कि ऐसा नहीं बनना है। थैंक्स टू हिम आई लर्नड कि आगे चल के जीवन में जब जब मुश्किल वक्त आया, आई न्यू कि यार मैं तो इससे बुरा देख चुका हूं, अच्छा और बुरा क्या है, क्या है अच्छा? किसी के पास 1 करोड़ रुपए अच्छे हैं, अगर उसके 10 करोड़ थे तो 1 करोड़ हो गए तो खराब हो गया, लेकिन 0 था 1 करोड़ हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा और बुरा सिर्फ एक रेफरेंस है, तराजू जस्ट वन रेफरेंस, कुछ नहीं है। हैविंग सेड दैट, जब जब बुरे लोग मिले उनसे सीखिए कि क्या नहीं करना है और वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं। अच्छे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, अरे बेटा कैसे हो, क्या कर, नहीं आता मैं सिखाता हूं। बुरे लोग, हाउ डेयर यू डू नॉट नो, गो एंड लर्न, सेट यू सला, प्रेशर बनेगा, ये बनेगा और सीखोगे। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे बन जाएं, अच्छे लोगों की बहुत कमी है दुनिया में, बट हाँ बुरे लोग हैं, देखो उनको मैं नहीं बदल सकता, जो हैं बुरे वो बुरे हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनिए। ये कहते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं भी चीफ ईयर रहा हूँ और मैं कोई बहुत अच्छा चीफ ईयर नहीं रहा हूँ या कोई बहुत अच्छा सेकेंड ईयर नहीं रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ करी हैं। लीडरशिप एक बहुत बड़ी चीज़ है, आसान नहीं है, बट मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि कुछ ऐसे लीडर का सेल करा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर आप लोगों ने भी कुछ ऐसे लीडर का सेल किया है, दोज यू हैव चेंज योर लाइफ फॉर द गुड, कमेंट से थैंक यू टू देम। एंड जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी ख़राब करी, आपको लगता है वर्स्ट चीफ ईयर है, उनको बोलिए कि मैं आपकी तरह नहीं बनूंगा। टेक केयर, बाय।